12 मार्च 2013 को बीस मिनट तक वो हवा में रहती है। तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये मिसाइल अपना रास्ता भटक जाती है। DRDO तुरंत हरकत में आता है, इसका इंजन बंद करता है और इसे जमीन पर गिराकर नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ये अपने हिसाब से कहीं गिरती तो इससे काफी जान माल का नुकसान हो सकता था। इसके ठीक एक साल के बाद 17 अक्टूबर 2014 को मिसाइल का दूसरा लॉन्च किया गया। इस बार परीक्षण सफल रहा, लेकिन तीसरा और चौथा फिर से असफल रहा। DRDO के वैज्ञानिक इन असफलताओं से सीखने का प्रयास करते हुए इस मिसाइल का पांचवा परीक्षण करते हैं। आखिरकार पांचवा परीक्षण इसका सफल रहता है, लेकिन फिर बारी आती है छठे परीक्षण की, जो कि सुपरहिट रहा। वो दिन था 15 अप्रैल 2019 का। इस परीक्षण के दौरान जो घटनाएं हुई उसका वीडियो दुनिया के सामने सार्वजनिक किया गया, जिसमें भारत की एक सुपर पावर मिसाइल सी स्किमिंग करते हुए देखी गई। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान के कॉकपिट से इस वीडियो को बनाया गया। मिसाइल बंगाल की खाड़ी से बमुश्किल कुछ ही मीटर की ऊंचाई पर हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। इस कारनामे के बाद भारत पूरी दुनिया को ये बता रहा था कि देखिए, हम अपने खुद के बूते एक आधुनिक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल बना सकते हैं, जो रडार को मात देने में पूरी तरह से सफल रहती है। और फाइनली छठे परीक्षण के बाद इस मिसाइल का डेवलपमेंट का कार्य शुरू कर दिया गया। अब केवल DRDO को जरूरत ये थी कि इसे भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से फेरबदल किया जाए, जो काम कोई बहुत बड़ा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निर्भय मिसाइल की। वो निर्भय मिसाइल भारत की सेना DRDO सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। याद है अगस्त 2020 में जब चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट भारत का बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उस समय भारत ने इसी मिसाइल को डिप्लॉय किया था, जिसके बाद चाइना को दुम दबाकर पीछे भागना पड़ा। ये मिसाइल कोई छोटी मोटी बिल्कुल भी नहीं है, इसने विश्व ख्याति प्राप्त कर रखी है और भारत को टेक्नोलॉजी वाइज बड़े देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, इस मिसाइल को बनाने के लिए भारत के DRDO ने बहुत परिश्रम किए, बार बार हार मिली, लेकिन फाइनली एक ऐसी मिसाइल बनाई जो कि सबसे बेस्ट थी। वैसे तो साल 2006 में ही भारतीय सेना के पास ब्रह्मोस जैसी सुपर पावर क्रूज मिसाइल मौजूद थी, लेकिन उस समय भारत MTCR का सदस्य नहीं था, जिसकी वजह से भारत 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का लेन देन नहीं कर सकता था। ना तो किसी को बेच सकता था, ना ही किसी से खरीद सकता था। अब चूंकि ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में रूस का भी सहारा लिया गया, इसलिए इस मिसाइल की रेंज ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती थी। बस इसी वजह से भारत को 250 से 300 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस से ही संतोष करना पड़ रहा था, लेकिन भारत की सेना को इससे ज्यादा जरूरतें थी। इसलिए भारत ने अपना खुद का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत सब सोनिक क्रूज मिसाइल वो भी लॉन्ग रेंज वाली बनानी थी। मैं आपको बता दूं कि निर्भय मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये भारत की एक लॉन्ग रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत के लिए ये मिसाइल इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है, तो मैं आपको बता दूं इसके कुछ कारण। मैं एक्चुअली आपको इसकी कैपेबिलिटीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले लॉन्च के लिए सॉलिड रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 90 डिग्री पर शुरुआती उड़ान भरता है। इसके बाद ये समुद्र या जमीन के समान अंतर उड़ने लगती है, पैरेलल। दूसरे चरण में इसका दूसरा इंजन स्टार्ट हो जाता है, जो कि है टर्बोफैन इंजन। इस मिसाइल की लंबाई 6 मीटर है, इसका वजन 1.5 टन है। हथियारों की क्षमता की अगर बात करें तो 300 किलो तक का न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वॉरेट ये बड़ी आसानी से ले जा सकती है। निर्भय मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका मतलब ये है, ये लंबी दूरी तक मार करने वाली है। ये आवाज की रफ्तार से कम रफ्तार पर चलने वाली एक मिसाइल है। ये मिसाइल जमीन के बहुत करीब उड़ने में पूरी तरह से सक्षम है और उड़ान के दौरान ही ये अपनी दिशा को भी बदलने में पूरी तरह से सक्षम है। और बस दोस्तों, यही कारण है कि ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की जद में नहीं आ सकती। कोई भी रडार सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। कुल मिलाकर इस मिसाइल को आप बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में बहुत ज्यादा स्मार्ट कह सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि निर्भय मिसाइल भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है। ये बहुत ताकतवर है, ये नॉन बीटेबल है और ये भारत के DRDO द्वारा किए गए कई सारे प्रयासों का नतीजा है। इस मिसाइल का हमें बहुत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे बनाने के लिए जिस लगन से काम किया है, उसे अगर हम और डिटेल में समझें, इस वीडियो में इतना डिटेल में नहीं बताया जा सकता, लेकिन अगर सच्चाई देखें तो उसके पीछे बहुत भारी परिश्रम छुपा हुआ है। इस मिसाइल के लिए सच में भारतीय वैज्ञानिकों को सैल्यूट करना चाहिए, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट हमें बनाकर दिया।